डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर ऑफ वेब टेक्नोलॉजी वी विल स्टडी अबाउट द फॉर्मेटिंग टैग्स। HTML में फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं, किस किस टैग का यूज करते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब है जो भी टेक्स्ट है हमारा उसको हम फॉर्मेट कैसे करेंगे, बोल्ड करना, इटैलिक करना, डिलीट करना, सब स्क्रिप्ट करना, सुपर स्क्रिप्ट करना, ये सारी चीज़ें हमारी फॉर्मेटिंग में आ जाती हैं। फॉर्मेटिंग में तीन चीज़ हमारी कंसर्न होती हैं, पैराग्राफ, टेक्स्ट और हेडर। इन तीनों पर जो भी हम चेंजेस करते हैं वो फॉर्मेटिंग में आ जाते हैं। तो जब हम फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो देखते हैं इसमें HTML कौन कौन से फॉर्मेटिंग टैग्स हमें प्रोवाइड कराता है। HTML प्रोवाइड्स अस विद द एबिलिटी फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट जस्ट लाइक वी डू इन MS Word। HTML हमें ऐसे फॉर्मेटिंग टैग्स प्रोवाइड कराता है जैसे कि हम HTML में यूज़ करते हैं सेम वैसे ही, लेकिन उन्हें यूज़ करने का तरीका डिफरेंट होता है। और एनी टेक्स्ट एडिट सॉफ्टवेयर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, किसी MS Word में या टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जैसे हम फॉर्मेटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से HTML हमें प्रोवाइड कराता है ये एबिलिटी कि हम HTML में भी फॉर्मेटिंग कर सकें टेक्स्ट के ऊपर, लेकिन जो तरीका है वो अलग होता है। ठीक है, इफ़ यू यूज़ ए वर्ड प्रोसेसर, अगर आप एक वर्ड प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द एबिलिटी टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिसाइज्ड और अंडरलाइंड। तो अगर आप किसी वर्ड प्रोसेसर पर काम कर रहे हैं तो आपको ये एबिलिटी के साथ फैमिलियर होना चाहिए कि आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकें, इटैलिसाइज्ड कर सकें, अंडरलाइन कर सकें और मैनी अदर फॉर्मेटिंग उसमें आप कर सकें। दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू इंडिकेट हाउ टेक्स्ट कैन अपीयर इन HTML। ये जो ऑप्शंस हैं ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो HTML के डॉक्यूमेंट पर या ब्राउज़र पर किस तरीके से अपीयर होगा, किस तरीके से डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसी को अपने टेक्स्ट को ब्राउज़र या HTML पर डिस्प्ले कराने के लिए अलग अलग स्टाइल या फॉर्मेटिंग करके उसमें हम फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला टैग है हमारा बोल्ड टैक्स्ट, यानी टेक्स्ट को किस तरीके से बोल्ड करेंगे, जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं HTML उसमें बोल्ड कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम बोल्ड टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। इसमें क्या होगा, एनीथिंग दैट अपीयर्स विद इन बी एंड क्लोजिंग बी एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन बोल्ड। ठीक है, इनका कहने का मतलब है जो भी इसके बीच में हमारा लिखा जाएगा, इस एलिमेंट के बीच में लिखा जाएगा वो हमारा बोल्ड के रूप में अपीयर होगा हमारे ब्राउज़र पर। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे हम इसे कोड करेंगे। ठीक है, एग्जांपल सबसे पहले डॉक टाइप HTML देन HTML देन हेड देन टाइटल।
टाइटल इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम टाइटल लिख देते हैं चलो बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड टेक्स्ट हमने टाइटल लिख दिया और टाइटल को क्लोज कर दिया और फिर हेड को भी क्लोज कर दिया। ओके, अब बॉडी पार्ट में आ जाते हैं। इसके बॉडी पार्ट में आएंगे तो हमें कुछ एक पैराग्राफ लेकर लिखना होगा जिसमें हम इंडिकेट कर पाएंगे किस तरीके से हम इसे बोल्ड करेंगे। तो हमने एक पैराग्राफ टैग ले लिया और उसमें हमने लिख दिया द फॉलोइंग वर्ड्स यूज़ ए। अब इस आगे जो लिखेंगे उसे हमने बोल्ड कर दिया। ठीक है, क्लियर। बोल्ड के बीच में क्या, बोल्ड टाइपफेस देन पैराग्राफ क्लोज। ठीक है, अब इसमें क्या किया, ठीक है ये हो गया। उसके बाद हम बॉडी को क्लोज करेंगे एंड देन HTML को क्लोज कर देंगे। इसमें जो हमारा आउटपुट आएगा, देखिए ये बोल्ड को हमने इस एलिमेंट के बीच में लिखा है तो ये केवल बोल्ड वाला जो एरिया है, बोल्ड वाला जो हमारा वर्ड है वो हमारा केवल बोल्ड होगा। तो इसका जो आउटपुट कैसे प्रिंट होगा, दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। ठीक है, मान लीजिए ये विंडो है हमारे पास, ओके। अब इस पर हमने ये टाइटल बार, टाइटल में क्या लिखा था, बोल्ड टेक्स्ट, यहाँ आ जाएगा बोल्ड टेक्स्ट और यहाँ क्या आ जाएगा द फॉलोइंग वर्ड्स यूज ए बोल्ड। ये जो केवल बोल्ड है ये बोल्ड आएगा केवल, इसमें बोल्ड भी कर दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। बोल्ड टाइप फेस, ओके, क्लियर। इस तरीके का ये हमारा आउटपुट आ जाएगा इसका। इसी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा बोल्ड कैसे करना। अब मान लीजिए इस पूरे को हम बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ P के बाद डायरेक्ट हम बी का यूज़ करते और इसके बाद बी को क्लोज करते। ठीक है, जितनी भी चीज़ को, एरिया को, जितने भी टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं इसमें बोल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे इटैलिक टेक्स्ट की। इटैलिक टेक्स्ट में क्या होता है, एनीथिंग दैट appears within I element element
is displayed in italicized. ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से हम इसे कोडिंग करेंगे, इसे डिक्लेयर करेंगे किस तरीके से। तो सबसे पहले डॉक टाइप HTML, ओके, देन HTML, देन हेड, देन टाइटल, टाइटल में हम लिख देंगे इटैलिक टैग टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट, और टाइटल को क्लोज कर देंगे और यहाँ हेड को क्लोज कर देंगे। आप इन जो टैग्स हैं इन्हें कैपिटल स्मॉल किसी भी में भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। बॉडी, बॉडी में हम इसे डिक्लेयर करेंगे, पैराग्राफ निकलेंगे और इसमें लिखेंगे द फॉलोइंग वर्ड यूजेज एन इटैलिक लिखना, तो आई का यूज़ करेंगे और इसके बीच में जो हमें इटैलिक करना है इटैलिक टाइप फेस, उसके बाद पैराग्राफ क्लोज, देन बॉडी क्लोज एंड देन HTML क्लोज। ओके, इस तरीके से हम इटैलिक को करेंगे और इसका जो आउटपुट आएगा, दिस विल प्रोड्यूस फॉलोइंग रिजल्ट, क्या आएगा इसका। मान लीजिए ये विंडो है, ये टाइटल बार हो गया, टाइटल बार पे हमने क्या लिखा है इटैलिक टेक्स्ट, और यहाँ क्या आ जाएगा द फॉलोइंग वर्ड यूजेज एन इटैलिक के स्टाइल में आ जाएगा लिखा हुआ इटैलिक टाइप फेस, एक लाइन में ही आएगा, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।